हेलो एवरीवन, अगर आपको भी इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन करवाना मुश्किल लगता है तो ये वीडियो देख लेने के बाद आप बआसानी क्लास में, इंटरव्यू में और स्टेज पर इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कॉन्फिडेंटली करवा सकेंगे। इंट्रोडक्शन करवाते हुए हमें कौन सी बातें बतानी हैं और कौन सी नहीं बतानी, और जो बतानी है वो किस तरह से बतानी है, ये सारी बातें हम ज़रा आज डिटेल में सीखेंगे। दोस्तों, मेरा नाम आसिम है और आप मुझे सुन रहे हैं ग्रामरियर यूट्यूब चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने इंट्रोडक्शन करवाने का आगाज करेंगे ग्रीटिंग से। ग्रीटिंग्स यानी हेलो हाय करना। हेलो हाय करना दो तरह का हो सकता है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हम ऐसे लोगों के साथ करते हैं जिनके साथ हमारा ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप होता है, हम उनके साथ काफ़ी हद तक फ्रैंक होते हैं, हम उनके साथ खुली गपशप कर सकते हैं, जैसे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स और जिनके साथ आपका डेली का उठना बैठना हो, मिलना जुलना हो, तो उनके साथ आप हाय, हेय, हेलो, हाउडी एंड व्हाट्सएप जैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स के बाद हमारे पास आ जाती हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स। दोस्तों, ये ऐसी ग्रीटिंग्स हैं जो हम अपने बॉसेस के साथ, अपने टीचर्स के साथ और तमाम ऐसे लोगों के साथ करते हैं जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, हमारी स्टडीज़ के लिहाज से, हमारी जॉब के लिहाज से, जिनके साथ हमारी फ्रैंकनेस कम होती है और हमारा पर्सनल रिलेशनशिप भी नहीं होता, बिजनेस एंड एकेडेमिक रिलेशनशिप होता है। तो ऐसे लोगों के साथ हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, इसी तरह से आप हेलो भी यूज़ कर सकते हैं, हेलो सर, ओके। तो ये भी फॉर्मल ग्रीटिंग्स में आती है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आप ये वाले वर्ड्स इन लोगों के साथ तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो तमाम वर्ड्स हैं, ये वाली जो ग्रीटिंग्स हैं, ये इन लोगों के लिए यानी जिनके साथ आपका फॉर्मल रिलेशनशिप है उनके लिए यूज़ नहीं कर सकते सिवाय हेलो के। मजीद बताता चलूं, अगर आप इन तमाम ग्रीटिंग्स का यूज़ मुख्तलिफ औकात के लिहाज से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो थोड़ा सा मजीद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुबह उठने से दोपहर 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग कह लीजिए और 12 बजे के आसपास 15-20 मिनट के आगे पीछे होने के लिहाज से आप गुड नून भी कह सकते हैं, और 12:30 से ऑनवर्ड आप गुड आफ्टरनून कहेंगे, कब तक, 6 बजे तक 5 बजे तक, ओके। और फिर उसके बाद आप गुड इवनिंग कहेंगे। आप शाम में, रात में जब भी किसी को मिलेंगे तो आपने गुड इवनिंग कहना है, गुड नाइट आप तब कहेंगे जब आपने उसको सोने की गुड विशेस देनी होंगी। जी, तो ये सब था ग्रीटिंग्स के लिहाज से। अब आगे बढ़ते हैं, नाम कैसे बताना है ये ज़रा सीख लेते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने कभी भी इन दो तरीकों को यूज़ करते हुए अपना नाम नहीं बताना, हमेशा माय नेम इज़ और आई एम का यूज़ करते हुए अपना नाम बताएं। माय नेम इज़ आसिम, ओके, और इसी तरह से आई एम आसिम, ये आपका नाम बताने का सही तरीका है। ये खुद साख्ता आपके बनाए हुए सेंटेंसेस हैं, दिस इज़ यानी ये है, मैं हूँ वगैरह, आपने ये कभी भी यूज़ नहीं करने। हाँ, समटाइम्स रेडियोज़ पर, FM पर, पॉडकास्ट में ये यूज़ किया जाता है, लेकिन बेहतर है आप इसका यूज़ ना ही करें, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। तो आप यूज़ करेंगे माय नेम इज़ आसिम, आई एम आसिम, ये नाम बताने के बेहतरीन दो तरीके हैं और ये फॉर्मल भी हैं। आप इनको इंटरव्यू में, क्लास में, कॉल सेंटर में, कहीं भी आप इनको यूज़ कीजिए, ये नाम बताने के अच्छे तरीके हैं। देखिए, अगर आप मुख्तलिफ जगहों पर आप दिस इज़ का यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, तो आप फॉर्मल सिचुएशंस में भी इसका यूज़ कर बैठेंगे, जो कि ठीक नहीं होगा। तो आप हमेशा अपना नाम इन दो तरीकों से बताएंगे, माय नेम इज़ आसिम, आई एम आसिम, ओके। फिर जब बात आती है इनफॉर्मल सिचुएशंस में इंट्रोडक्शन करवाने की, तो आप अपना नाम हेय गाइस, हेय एवरीवन, हाय एवरीवन, हेय, हेलो, और उसके बाद आई एम या माय नेम इज़, इस तरह से अपना नाम बता सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप रहते कहाँ हैं, ये हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे। इसके लिए दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास, आई बिलोंग टू एंड आई एम फ्रॉम, और उसके बाद सिटी का या कंट्री का नाम। और अगर आप उसी शहर के, उसी गांव के, उसी जगह के हैं जहां पर आपसे बातचीत हो रही है, तो आप आई बिलोंग टू, उसके बाद उस जगह का नाम, और फिर लास्ट में सिर्फ एक वर्ड ऐड कर देंगे जिससे ये वाला मतलब बन जाएगा, का ही हूं, ओके, यानी जिस जगह बात हो रही है वहीं का ही हूं। ऑलराइट, आई बिलोंग टू लाहौर इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम लाहौर इटसेल्फ। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपनी रिहाइश के बारे में बता सकते हैं। इंग्लिश में अपनी एज बताने के लिए आप ये सिंपल सा सेंटेंस याद कर लीजिए,
आई एम, उसके बाद नंबर, फॉर एग्जाम्पल आई एम 17 ईयर्स, ओके, इसके साथ आप एस लाजमी लगाएंगे, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, ओके, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, और आप इतना भी बोल सकते हैं आई एम 17, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये बोलना ज्यादा अच्छा है, आई एम 17। दोस्तों, जिस तरह से हम उर्दू में बात करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए डिफरेंट वर्ड्स दरमियान में यूज़ करते हैं, जैसे जहाँ तक मेरी पढ़ाई का ताल्लुक है, मज़ीद आपको बताता चलूँ, मज़ीद ये के, हालांकि, इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स हम दरमियान में यूज़ करते हैं जो हमारे पॉइंट्स को आपस में लिंक करते हैं। जिस तरह से हम उर्दू में ये वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे ही हमें इंग्लिश में भी करने चाहिए। हम ऐसे तो हरगिज़ नहीं करेंगे कि हम रिहाइश पर बात कर रहे हैं, ये हमारा पॉइंट चल रहा है, और अचानक हम अपनी स्टडी के बारे में बोलना शुरू कर दें, यानी डायरेक्टली वो सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दें। तो आपने क्या करना है पॉइंट्स को आपस में लिंक करने के लिए, एज़ फार एज़ माई स्टडी या कोई भी पॉइंट है, स्किल्स आर कंसर्न्ड, स्टडी इज़ कंसर्न्ड, फैमिली इज़ कंसर्न्ड, आपने इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं और फिर उस टॉपिक पर बात करनी शुरू करनी है। इसी तरह से फर्दर मोर या मोर ओवर, आप इस तरह के वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि लिंकिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। ये वाले सेंटेंसेस आपकी पूरी बात को आपस में मजबूती से जोड़ के रखते हैं, तो आपने इस तरह के वर्ड्स का यूज़ लाजमी करना है। मूविंग ऑन, फैमिली के बारे में इंग्लिश में कैसे बताना है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, अपनी फैमिली के मुताबिक यहाँ से कोई सा भी एक टेम्पलेट पिक कीजिए जो आपकी फैमिली के लिए सूटेबल हो, और उसका यूज करते हुए आप अपनी फैमिली के बारे में इंग्लिश में बता सकते हैं। ये वाला सेंटेंस उस शख्स के लिए है जिसके साथ उसके पेरेंट्स रहते हैं और बहन भाई रहते हैं। तो इन माई फैमिली अपार्ट माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के अलावा, वी आर 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, मेरी फैमिली में मेरे वालिदैन के अलावा हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। और ये वाला सेंटेंस सूटेबल रहेगा जब आपके साथ आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, ओके। देर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आई एंड माई सिस्टर। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस का यूज़ करते हुए अपनी फैमिली के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिए और इसको यूज़ कर लें। अगर आप अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों के साथ रहते हैं तो इसका मतलब है आपकी फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली, यानी इनफरादी खानदान। तो आप इस सेंटेंस का यूज करते हुए अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं, आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली विद माई पेरेंट्स एंड 2 सिस्टर्स। अगर आप मैरिड हैं और अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं तो इस सेंटेंस का यूज कीजिए, देर आर 4 पीपल इन माई फैमिली, माई वाइफ, माई 2 सन्स एंड माई सेल्फ। आपने जब भी इन सेंटेंसेस को बोलना है तो थोड़ा ठहर ठहर कर बोलिएगा, प्रॉपरली बोलिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। There are 4 people in my family, my wife, my 2 sons and myself. अगर आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपके बहन भाई हैं तो इस सेंटेंस का यूज़ करें, I have 2 brothers and 1 sister. और अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टर हैं साथ तो I just have 1 sister. और अगर आप बिल्कुल ही अकेले हैं तो I am the only child. कुछ मज़ीद सेंटेंसेस देखते चलते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं, I have 2 older brothers and 1 older sister. I am the youngest in my family. मेरे 2 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन है, मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ। I have just 1 sister who is 5 years older than me. मेरी सिर्फ 1 बड़ी बहन है जो मुझसे 5 साल बड़ी हैं। I am the middle child. My brother is 2 years older and I have a younger sister. I have 3 kids. 2 girls and a boy. जी दोस्तों, तो फैमिली के बारे में बताने के लिए हमने अच्छे खासे सेंटेंसेस सीख लिए हैं। लेट्स कंटिन्यू, और तालीम के बारे में हमने कैसे बताना है ये जरा सीख लेते हैं। आई एम इन क्लास 8 या आई एम इन 8th क्लास और स्टैंडर्ड। आई एम अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। आई एम PhD इन कंप्यूटर साइंस। आई एम परस्यूइंग, जब आप अपनी कोई डिग्री कर रहे हो, 1 साल कंप्लीट हो गया हो, 2 हो गए हो, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ओके। फॉर एग्जांपल, आई एम परस्यूइंग माय MBA।
और इस सेंटेंस का यूज आप तब कर लेंगे जब आपने डिग्री और कौन से साल में है उस डिग्री के साथ साथ बताना हो। आई एम इन MA इंग्लिश फर्स्ट ईयर। अब बात कर लेते हैं आपकी स्किल, सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास और आपकी क्वालिटीज की। आपने क्या कुछ सीख रखा है इस पर जरा बात कर लेते हैं। आई हैव डन 3 months ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स फ्रॉम Grammarlier इन 2023। आई हैव डन, उसके बाद कितने महीने का कोर्स किया है? 3 months ऑफ। कोर्स कौन सा किया है उसका नाम? फ्रॉम, इदारे का नाम, इन और उसके बाद साल। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन, उसके बाद कोर्स का नाम, यानी आपने इस कोर्स में भी सर्टिफिकेट ले रखा है, ये वाला कोर्स भी कर रखा है। मोर ओवर, मजीद, आई हैव डन 6 months, मैंने कर रखा है 6 महीने का डिप्लोमा ऑन, उसके बाद वो स्किल जिसमें आपने डिप्लोमा कर रखा है, और फ्रॉम और फिर इदारे का नाम। मोर ओवर, आई हैव डन 6 months डिप्लोमा ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रॉम XYZ। अपनी हॉबीज के बारे में इंग्लिश में कुछ इस तरह से बताएंगे। माई हॉबी इज पेंटिंग, और आई लव पेंटिंग इसका यूज भी कर सकते हैं। आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव कुकिंग एंड आई लव सिंगिंग। और हॉबीज के बारे में बताने के लिए आप इस सेंटेंस का यूज भी कर सकते हैं। माई हॉबीज आर कुकिंग एंड रीडिंग बुक्स। माई हॉबीज आर कुकिंग एंड रीडिंग बुक्स। ऑल राइट माई डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने इंग्लिश में किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देना है ये डिटेल में सीख लिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।